OnePlus 12, it's ready for launch. This is official first look. OnePlus 12 सीरीज में तीन काफी खतरनाक कलर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रीन। जो व्हाइट है वो ग्लॉसी है और जो ब्लैक है वो मैट ब्लैक है, और जो ग्रीन है भाई साहब उसमें हिमालय की, पहाड़ों की, जो भी कह लो उसकी टेक्सचर यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सेक्सी लगता है। ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे आगे और पीछे में ग्लास की यूज की जाएगी और जो मेटल का फ्रेम होगा वो यहाँ पे फ्रेम होगा। ये क्या बोल दिया, 6.82 इंच की काफी बड़ी वाली डिस्प्ले यहाँ पे मिलने वाली है गाइस, और यहाँ पे ये BOE X1 डिस्प्ले होगा और यहाँ पे 2K रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे और 120 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। BOE डिस्प्ले क्या होता है भाई? मोए मोए नहीं, देखो मैं बताता हूँ BOE का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ना OnePlus ने एक स्पेशल चिप डिजाइन करा है सिर्फ डिस्प्ले के लिए, जो कि सिर्फ डिस्प्ले में वर्क करेगा, ठीक है ना, जिसका नाम है P1 चिप। और इस चिप को ना OnePlus 12 में लगाया जाएगा और यहाँ पे उसकी वजह से डिस्प्ले में काफी ज्यादा शार्पनेस देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा यहाँ पे ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा और काफी ज्यादा यहाँ पे कलर भी एक्यूरेट होंगे। बाकी रियल में तो हमें नहीं पता भाई डिस्प्ले कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी इस चिप को लगाने से या फिर ब्राइटनेस कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक फोटोज और वीडियो क्लिप वगैरह सामने आए निकल के जहाँ पे S23 अल्ट्रा से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है और उसके मुकाबले यहाँ पे बेटर तो ऑब्वियसली लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। बाकी रियल में आने तो देखते हैं वाकई में फर्क है या फिर फ्लैगशिप फोन में प्रोसेसर की तो यहाँ पे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली यहाँ पे टॉप ऑफ द एज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जिसकी कैसी परफॉर्मेंस वगैरह रहेगी तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश। LPDDR5X की रैम देखने को मिलेगी और UFS 4.0 का यहाँ पे मेमोरी भी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे गेमिंग वालों के लिए ना बल्ले बल्ले है भाई। दिमाग में एक सवाल आता है भाई हीटिंग का क्या, क्योंकि जितना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होता है वो हीट भी करता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीटिंग के लिए एक ना कुछ नाम है, कैंगोंग हीटिंग करके कुछ नाम है, चाइनीज पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं नाम, ठीक है ना, मतलब ये समझ लो कि हीटिंग के लिए सिस्टम यहाँ पे मिलता है जिसकी वजह से ये हीट फोन उतना ज्यादा नहीं होगा, समझ गए। तो सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं। अब हम बात करते हैं इस फोन के सबसे बड़ी चीज के बारे में, कैमरा के बारे में। गाइस कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सोनी का IMX 966 वाला मेन कैमरा सेंसर मिलेगा जो कि 50 मेगापिक्सल का होगा गाइस, और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा होने वाला है, या फिर पेरिस्कोप कह सकते हो आप लोग इसको। और इसको अगर आप लोग डिजिटली जूम करोगे तो यहाँ पे 120x तक यहाँ पे जा सकता है, तो डिजिटल वाला तो आपको पता है भाई साहब वो तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है, ठीक है ना, तो उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे ऑप्टिकल वाला काफी कमाल मजा के रख सकता है, यहाँ पे कुछ सैंपल्स भी निकल क्या है देख सकते हो। और ये रही यहां पे मेन वाले कैमरा की सैंपल, ये सारे सैंपल तो OnePlus ने खुद से ही दिखाए हमें, तो यहां पे आप लोगों को पता है भाई कंपनी तो कुछ भी कर लेती है, रियल भी हो सकता है या फिर, लेकिन रेफरेंस के लिए हम लोग OnePlus Open को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेम कैमरा सेटअप वहां पर भी देखने को मिलती है और अभी पता है हाल ही में लॉन्च हुआ है तो कोई ज्यादा यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी ट्विक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आई मीन OnePlus Open में जैसा फोटो आएगा सिमिलर सा ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गया। और यहाँ पे मेन कैमरा सेंसर और पेरिस्कोप दोनों में ही OIS देखने को मिल जाएगी गाइस, और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कितने MP का होगा ये चीज हमें नहीं पता है, और सेल्फी भी नहीं पता चला है कितने MP का होगा। और बैटरी यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है गाइस, यहाँ पे 5400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप लोग पता है फ्लेक्सी फोन को थोड़ा सा पतला भी बनाया जाता है, हल्का भी बनाया जाता है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी तगड़े करना पड़ता है, तब भी यहाँ पे आपको 5400 mAh की बैटरी भाई सब दाद देनी पड़ेगी। और यहाँ पे 100W का चार्जर मिल जाएगा आप लोगों को बॉक्स में भाई, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। और तो और गाइस यहाँ पे हाईर ब्लास्टर भी देखने को मिल रहा है और स्टीरियो स्पीकर तो मिलेंगे ही, IP68 की रेटिंग भी मिलने वाली है और यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर भी होने वाला है। लॉन्च की बात करते हो गाइस, तो यहाँ पे 5 दिसंबर को यानी 5 दिसंबर को चाइना में ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना, सैमसंग इसको OnePlus इसको शोकेस कर देगा। और इंडिया की बात करते हो गाइस, तो यहाँ पे इस महीने तो इस साल तो नहीं, अगले साल या फिर जैन के लास्ट तक या फिर फरवरी के आपको फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगा। पैसे की बात करते हो गाइस, तो पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है ऑब्वियसली गाइस, लेकिन यहाँ पे हमें पता है फ्लैगशिप फोन है तो यहाँ पे OnePlus 11 जिस रेट में आया था ना उसी के आप लोग आसपास मान के चल सकते हो, उससे प्लस ही मान के चलना, उससे माइनस मत मान के चलना, नहीं तो आपके दिल टूट सकते हैं। लेकिन S24 अल्ट्रा भी काफी ज्यादा तगड़े तैयारी में है भाई सब आने के लिए, वीडियो यहाँ पे रहे क्लिक करो, मैं आपसे वही मिलता हूँ। मोए मोए।